नमस्कार किसान भाइयों, आज मैसी 10:35 अभी इस खेत में गेहूं बो रहा है। मैं अभी निकला हूँ इसे जेल करके। 3 बीघे का खेत है वो, पत्ती सत्ती सब इसमें जोत दी। इधर साइड में बहुत बवाल था, अभी वो पूछना पड़ेगा इससे। जब उतर जाएगा तब बुझूँगा कि कौन से गियर में इसे चला रहा था। शायद 10-35-35 हॉर्स पावर वाला है शायद, तो इसकी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी है। पूछेंगे इस बंदे से कहाँ का है कैसे है। क्या इसका रेट है, इससे सारी चीज़ें पूछूंगा। देखो इधर से इसकी आवाज़ बदल गई और उधर से इसकी आवाज़ में थोड़ा फटी हुई सी लग रही थी, ऐसा क्यों? यह हवा का रुख है, हवा मेरे ख्याल से पछवा चल रही है। अभी पूरब की तरफ जा रहा है ट्रैक्टर। जाओ जाओ सवेरे लिख के आओ जल्दी, बीज खत्म कर लिया तुमने बीज खेत में। जाओ लिख के आओ। बात कर रही हूँ, अरे हो गई ना क्या? यो है 10:35-35 हॉर्स पावर में एससी फर्गुसन 2019 मॉडल। नंबर यूपी का ही है बाहर का? बाहर का। कौन से गियर में चलाए करो इसे? दूसरे में। हाई के दूसरे में? क्या घंटे चल गया? ये चल गया 1326। ये चल गया है 1326 घंटे चल गया है वो। क्या क्या काम ले करो इससे? टेलर फिलर सब है। टीलर, हैरो? हैरो ना था। हैरो ना जोतते ना, टीलर का काम करे हो रहे, गेहूं बुना लेटा पेटा ही हो सब। ठीक, ना रोटर बंद है, रोटर के लिए भी दूसरा ट्रैक्टर है ना, रोटर बेटर के लिए दूसरा है। यो दो सिलेंडर में है, तीन में है? तो नहीं पता है, चौथा तीन सिलेंडर में होगा, क्योंकि टैपे 30 भी तीन सिलेंडर में आता था। इसका टप्पा पकड़ जाएगा ये पिस्टन इधर, सब तीन में है ये पिस्टन इधर। हां बस तो तीन में है, तो तीन में है, तीन में है, तीन में है। अब ये क्या खपत है जी तेल की इसकी? तेल तो ले रहा गेहूं की मशीन पे से ले रहा है, लगभग 2-1 लीटर के समथिंग। एक लीटर एक बीघे में गेहूं वाली मशीन, 1.25 लीटर। हाँ, 1.25 लीटर फ्री चला है ना। और तुम किराया क्या ले रहे हो? किराया 150 रुपये। तो तुमने 80 रुपये का तेल फूंक दिया और 150 रुपये तुम कर रहे हो, यानी एक बीघे तुम्हें 70 रुपये बचेंगे। इसमें तुम्हारा भी खर्चा, रास्ते का भी, रास्ते का भी है, तो इसमें बचत क्या है जी? जो भी है तो तुम या तो तेल का खर्च ज्यादा बता रहे हो या फिर इतना है, इतना तो होना ना चाहिए। हमारे गांव में एक 10-35 चलावे है, बस 10-35 ना, हमारा फार्म ट्रैक 35 और 8 फीटा मशीन है, तुम पे 7 है, इस पे तो 8 भी चल जाएगी बड़ी आराम से। हमारे पास उससे भी थाली मशीन है, हमारे पास 8 से भी चौड़ी है। अरे बड़े ट्रैक्टर की मशीन है। नहीं नहीं, इस पे 8 फीट चल जाएगी, उसमें तुम्हारा एवरेज बढ़ जाएगा, खेत भी जल्दी निकलेगा। मैंने एक चीज देखी, मैंने उससे फार्म ट्रैक 35 से पिछले साल गेम बुआए थे, उसकी तुम्हारे से चाल भी ज्यादा थी उसकी, वो तीसरे में चलाता था। अच्छा। या फिर दूसरे में भी थी तो उसके आरपीएम, तीसरे में चला आरपीएम ज्यादा होंगे। हम दूसरे में चलाते 1900। तो एक बात तो बताओ, इसमें बचा क्या? जो भी बचेगा। तुम आए भी 5-6 किलोमीटर से, 5-6 किलोमीटर तो पड़ेगा यहाँ, यहाँ जहाँ तक आए हो, और 3 बीघे बोने आए हो। बस इनसे मिल्लतदारी की वजह से आए ना, मिल्लतदारी बात तुम्हारी सही है। हम भी बुलाएंगे संजय भाई का ट्रैक्टर तो भी भेज देंगे, लेकिन समस्या ये है कि उनका तो काम 80% फीने में ही है, 80% है पक्का, गन्ना बोने का भी और सब चीज फीने में ही है। तो 10 में से 2 किसान ऐसे जहाँ बचत ना भी हो तो चलो चल जा, लेकिन मैं आम बात बता रहा हूँ तुम्हारे गांव की ही। अगर तुमने 1 बीघे पे 70 रुपये बचाए, तुम्हारे 11 रुपये बीघा है जी? हाँ मिला 30 रुपये, 30 रुपये का, तो मालिक को बचे 40 में टूट फूट भी, खर्च भी, सब कुछ उसमें ही है, तो ये तो नाम मात्र हो गया, बराबर सराबर खर्चा है। लंबे खेत के लिए है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है तुम
एक लीटर चादे बता रहे हो बीघे में? अच्छा एक लीटर तो रोटर वोटर पे खावा है बड़ा ट्रैक्टर। मैं टंकी भर के दूंगा तुम्हें, अच्छा बाड़ दूंगा खेत में, उसके बाद तुम तेल डालना। अब बताऊं मैं क्यों खा रहा तेल? यो देखो मैं देख रहा था ट्रैक्टर पे, रुका इसलिए था, इस ट्रैक्टर की इधर से जाते हो आवाज कुछ हो रहा है और उधर से आते हो कुछ हो रहा है, बताओ क्यों? ट्रैक्टर इधर खेत का ढाल है, यहाँ से पूरब को उधर नीचा है, जब उधर से आया ना लोड लेके आ रहा है, इसकी आवाज बदल ली थी। अब मशीन पर ट्रैक्टर का लोड लेके चल लिया है, उसका कारण यही है, 35 HP और ये 39 वाला होता है ना, मैं 10-35 वो नहीं लेता, तो ये लोड नहीं लेता, तेल भी लेता, तुम्हारा 700 ग्राम भी हद है अगर ले लेता तो। ये ट्रैक्टर कामयाब इसलिए नहीं होया, वरना हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता। 10-35 क्यों आवा सबसे ज्यादा? अब जो है कोई सभी 10-35 कभी भी नहीं पीटा, क्यों? उसका मात्र 4 HP बढ़ा इससे, लेकिन काम 45 HP बराबर खींच दे। अगर तुम यो खर्च बता रहे हो ना, फिर तो यो तुम तो सेवा कर रहे हो जी, सीधी सी बात है। सस्ता भी सेवा क्या, देखो वे खेल-पेल किसी से करते नहीं है, ठीक है। ट्रैक्टर बाजी का फायदा तब है, सारा खर्च निकाल के आधा बचना चाहिए, आधा बचना। हम इसके पर चला मैं 600 रुपए घंटे चला मैं, 700 भी चला दे, मात्र 600-700-800 रुपए हर जगह चल रहा। अरे 900 रुपए चल गया, मंडोरा में मैं चला गया हूँ, चला गया है। कौन कहाँ का? बुद्धा क्या डॉक्टर का चिल्ला, मैं तो 600 में चला देंगे मुस्तफाद का, वो विकास विकास होगा आईसर 551 है अजी, वो तो आदमी अलग ही है, वो तो फ्री में भी कर देगा काम। ना काम देखो कोई भी करो, सोनाली वाला तुमने तो 5-10 लाख किसी सोनाली वाला उसके साथ आया था, वो ड्राइवर है, जाट है उसके साथ, दूसरे डॉक्टर में उसका नंबर एक का काम, यो डॉक्टर पिटवा दे सामने, डॉक्टर करो कंप्यूटर। डॉक्टर बिना क्वार्टर मारे तो बैठते नहीं ट्रैक्टर पे, 2 घंटे जिम्मे करता है, बात तो है। जो सोनाली वाला आया था वो उसका काम, मदन रामपुर का मदन होगा रामपुर, अच्छा कंप्यूटर मान जाए, चलो औसत ना रहे हो तो 1 घंटा और बढ़ा दे आदमी, कम से कम बच तो रहा उसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या बचत हो रही, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा। पूरी ज्वार खत्म हो गई इनके खेत में आज, ठीक 11 बजे मैं यहाँ आ गया। सुबह 6 बजे ट्रैक्टर यहाँ लाके करते क्या, पत्ती कटती ना, धूप लगेगी जब तो कटेगी, समस्या ये है। 10-10 घंटे चला देते दोनों, वही उस वाली मशीन का वैसा टापा होगा, टापा भी है उस पर, टापा भी है यार। हमारी ये समझ में बाहर है ये वाली बात कि तुम्हारे अगर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं इसमें तो यार इसमें बचत क्यों, बचत कहाँ है? या फिर डेली 600-700 ml ले रहे हो, तुम कह रहे हो टंकी भरवा के तुम ही चला रहे हो, तो 1 लीटर 1 बीघे में खा रहे हैं, तो रोटर वेटर का खर्चा है 3 साल से, अच्छा 3 साल से चला रहे हो तो फिर तुम्हें पता होगा भाई, फिर तो तुम सही कह रहे हो। चलो जी अब तो चलाने वाले के ऊपर है, बात यह है जब 5-5 लाख की सोंज ले रखी है और ये सोंज भी धीरे धीरे पुरानी होनी, तो कही थी आपका 170 रुपए का रेट निकलना था, और 170 देखो होते भी तो सही था, 180 तो ले रहा है हमारे गांव में, ले रहा है 170-180 ले रहा, हम तो 150 ले रहे हैं अपने गाँव में भी है, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, 200 रुपये फालतू लग जाए, लेकिन काम भी बढ़िया हो यार, सब काम बढ़िया हो। काम तो लगा रहे 3 साल मुश्किल ठीक ठाक चल रही है, अब कभी पहले सही चली उससे पहले भी सही चली, पहले आईसर पर चलावे थे इस मशीन को, इस मशीन को आईसर पे 3 सिलेंडर क्या हॉर्स पावर और वही एनसी पे, अच्छा जी चलो एनसी तो चलो मान लेंगे, एनसी तो चलो आधा बचा देगा वो तो, तेल पूरी टंकी खाली ना होने की सुबह शाम तक तुमसे, लेकिन यार इसकी टंकी क्या लीटर की है, इसकी टंकी है लगभग 40-45 लीटर टंकी, तुम 4,500 का तेल फूक के और 40 जो मालिक को बचे तो 40 बीघे मान लो निकाल ली, 5 लीटर तो तुम्हारा रास्ते में ही फूकेगा, एनसी तो लगा लो 2 दिन में से भी बचा देता वो, अच्छा जी तो तुम्हारे मान के चलो 45 बीघे जमीन निकाल ली, 45 बीघे जमीन के हो गए 15 चौका 60 15 5 75 तो 6-7 4,500 रुपये के तेल में 7,250 रुपये की जुताई करी, यही तो हुई 15 चौका 60 6,000 ही हो गए और 15 5 75 750 रुपये हो गए, हम तो 3-3 बीघे गन्ना वन्ना बहुत दूर दूर लोग मशीन से तो जाना पड़ा।
किराए का नाम उसी का है भैया, एक बीघा भी जोत नहीं, 10 बीघे भी जोत नहीं। बात 1-10 की नहीं है, बात है इनके इनके कहने के अनुसार खर्च की। खर्च की है ये तो, इसमें खर्च भी तो निकलना चाहिए। मेरा टंकी का एवरेज निकालता हूँ मैं, टंकी का एवरेज रोटर वेटर पे तुमने देखा भी कैसे चला चला हुआ है, चलाता भी ऐसी हूँ। इसमें तो फिर भी 750 चक्कर पे चलाना पड़ा, पत्ती काटनी थी, तो रोटर वेटर पे ओवरऑल एवरेज कभी 500 ऊपर गया ही नहीं। वो भी ठीक ठाक तेल ले, न्यूलैंड 36-30 कितना लीटर ले जा, एक टंकी क्या लीटर की है बताओ, 60 लीटर टंकी, क्या भी का जमीन निकालता। ये चलो एवरेज तो पता होगा, क्या एवरेज दे रहा, क्या एवरेज रोटर पर ले जा, 6 तक मारता, 6 लीटर पहले के लो में करते हो, क्या भी निकल जाए एक घंटे, 1 बीघे में क्या भी निकल जा, एक घंटे में कितने बीघा ऐसे निकल जाएगी। एक बीघे में इतना तो पता ही होगा, 3 निकले 4 निकले 3.5 निकल जाए लगभग, 3.5 बीघे 360 रुपये का लेते हो, वो भी ठीक है भैया, जेल करने जरूरत नहीं पड़ती उसमें, दोनों तरफ तवे है? तवे दोनों तरफ है, दोनों तरफ न्यूलैंड 36 8 फीटर रोटर बेटर है, 8 फीटर रोटर बेटर, चक्कर कितने उसका भी ना पता नहीं, 1500-1600 पे ऐसा कुछ ना, कितनी रेस पे 1500 रेस पे चलाओ ना। चलो इसका जरूर पूछूंगा संजय भाई साहब से, मगर तुम इसे सेवा में लगा रहे हो या क्या चीज़ है वो भाई। बीज आ गया, बीज आने के बाद दोबारा चालू कर रहे हैं, इन्होंने जो तेल का खर्च बताया उससे बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा कैसा हो सका है, अगर 1 लीटर 1 बीघे में खा रहा है वो और दूसरे में चल रहा है हाई के 35 हॉर्स पावर 10-35 है शायद, हो सकता है 10-35 जो 35 हॉर्स पावर वाला हो इसका खर्च ज़्यादा हो, क्योंकि जो 39 है 10-35 39 हॉर्स पावर में उसका खर्च तो मुझे पता है, वो तो इतना नहीं खाएगा, और इन्हें क्या औसत है क्या बचत है समझ से बाहर है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं बताना कि ऐसे काम करने से भी क्या फ़ायदा। अब ये भाई ड्राइवर भी रखे तक रखा है ट्रैक्टर वालों ने, 30 रुपये बिघा इसे भी देनी है, ठीक है। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अच्छा लगे तो बताओ। ग्राउंड पे ये प्रैक्टिकल आज हमने देखा, ग्राउंड में ही हमने भाई से पूछा और ग्राउंड में ही इसने बताया कि ये चीज़ है, और मैं देख भी रहा हूँ अपने आँखों से कि इसकी चाल और गियर भी सब मैंने अपने आप देखा, दूसरे गियर में चल रहा है, चाल भी स्लो है थोड़ी सी इनकी, वरना इतना तेल खाने से बचत का कोई लाभ है नहीं। और ये ट्रैक्टर 6 किलोमीटर दूर से आया। ये किसान भाइयों नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।